बिहार कोरोना इफेक्ट, 300 साल में दूसरी बार रामनवमी पर पटना महावीर मंदिर में नो एंट्री, ऐसे करवाएं पूजा। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रामनवमी से रिलेटेड बहुत ही बड़ी खबर बताने वाली हूँ। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, रामनवमी के पावन मौके पर हर साल हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु पटना स्थित महावीर मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। कोरोना के कारण लगातार ये दूसरा साल है जब भक्तों के लिए मंदिर में प्रवेश पर रोक है। मंगलवार को कलश स्थापना के साथ ही चैत्र नवरात्र के 9 दिनों का अनुष्ठान चल रहा है। 21 अप्रैल यानी कि कल तक की तारीख में रामनवमी है। पिछले साल की इस तरह भी नवरात्र के दौरान कोई भी बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा। एक बार फिर से कोरोना के चलते सार्वजनिक पूजा के आयोजन पर रोक है। इसका मतलब ये हुआ कि रामनवमी के दिन पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में भक्त दर्शन नहीं कर पाएंगे। हर साल रामनवमी के दिन भारी संख्या में भक्त हनुमान जी और राम जी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मंदिर के बाहर 2 से 4 किलोमीटर तक लंबी कतार लाइन में लोग खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि भगवान का ये दर्शन कर पाएं। कोरोना के चलते पिछले साल की तरह इस साल भी रामनवमी का त्यौहार पूरी सादगी के साथ मनाया जाएगा और कोई भी बड़ा आयोजन नहीं होगा। इस वर्ष रामनवमी के लिए कोई भी बड़ा आयोजन नहीं होगा, साथ ही साथ राम जुलूस भी नहीं निकाला जाएगा। महावीर मंदिर प्रबंधक की ओर से ऐसा कहा गया है कि रामनवमी के दिन महावीर, हनुमान, भगवान श्री राम और सभी देवी देवताओं के नए वस्त्र धारण कराए जाएंगे। इस मौके पर महावीर मंदिर में तीनों स्थानों पर लगे ध्वज बदले जाएंगे। जिन भक्तों ने ध्वजरोहण की रसीद कटाई है उनके नाम और गोत्र के संकल्प के साथ कार्यकाल के पास निर्धारित स्थान पर नए ध्वज लगाए जाएंगे। राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। दोपहर 12 बजे आरती होगी और रात में हवन होगा। मंदिर के नैवेद्यम काउंटर पर नैवेद्यम प्रसाद सुबह से शाम रात तक 7 बजे तक मिलता रहेगा। नवरात्रि में पूजा कर नैवेद्यम और सिंदूर की होम डिलीवरी की ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप कुछ इस तरीके से ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं महावीर जी के। अगर आप महावीर मंदिर की पूजा अर्चना में शामिल होना चाहते हैं इस वर्ष 2021 में, तो आपको ऑनलाइन इंतज़ाम करना होगा और ऐसा किया भी गया है। घर बैठे आप महावीर जी के दर्शन कर सकते हैं, आरती में भी शरीक हो सकते हैं। इसके लिए आपको महावीर मंदिर patna.org वेबसाइट पर विजिट करना होगा और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को पूरा कर ऑनलाइन घर बैठे पूजा कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, महावीर मंदिर patna.org पर महावीर प्रबंधक की ओर से ऐसा लिखा गया है कि सरकार की नीतियों का पालन करते हुए महावीर मंदिर अगले आदेश तक बंद रहेगा, मगर ऑनलाइन डाउन में जिस प्रकार दुकानें खुली हुई हैं उसी प्रकार से महादेव नैवेद्यम का काउंटर खुला रहेगा। यह काउंटर मंदिर की 4 दीवारी के बाहर उत्तर में स्थित है। वहीं पर सड़क पर एक छोटा फाटक खुला रहेगा, इसे मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं हो पाएगा। नैवेद्यम अपने घरों में देवता को चढ़ाने के बाद ही उपयोग में लाएं और अगर अर्पितम खरीदते हैं तो चढ़ा हुआ प्रसाद इसे दोबारा नहीं चढ़ाएं। नैवेद्यम काउंटर पर आने पर जो भक्त असमर्थ हैं उनके लिए ऑनलाइन बुकिंग और होम डिलीवरी की भी व्यवस्था की गई है। होम डिलीवरी के लिए कम से कम 1 किलो नैवेद्यम मंगाना होगा। जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9334468400 पर आप संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसकी वेबसाइट महावीर मंदिर patna.org पर जा करके आप इसको बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।